जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। रेलवे के तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर मेडिकल क्षेत्र से, पारा मेडिकल का। तो देखेंगे कि पारा मेडिकल का ही पोस्ट आया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप वेरियस कैटेगरी का पोस्ट आया है पारा मेडिकल का। किसका आया है? पारा मेडिकल नखा। CN नंबर है 04/2024। यहाँ ओपनिंग डेट दिया हुआ है कब से भराएगा फॉर्म, तो ये भराएगा 17/8/2024 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट होगा 16/9/2024, यानी कि नेक्स्ट माह। अगर किसी तरह की कुछ गड़बड़ी होता है तो ये लिंक एक्टिव होगा 17 से 26 तक सुधार करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा सारा पोस्ट आया है यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में। तो देख सकते हैं कि ये उसका लिस्ट है, ठीक है। लेवल 7 का है जिसका कि बेसिक होता है 44,900। मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो मेडिकल कैटेगरी लो कैटेगरी ही लिया जाता है, देख सकते हैं पूरा लो कैटेगरी है। एज यहाँ पे दिया हुआ है 18 से 36, लेकिन ये एज जो दिया गया है ये UR के लिए दिया गया है, और अगर OBC हैं तो 3 साल छूट, SC है तो 5 साल छूट, इस तरह का छूट दिया जाएगा। तो देख रहे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है जो लेवल 7 में आता है, ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट लेवल 6 में आता है, क्लीन साइकोलिस्ट लेवल 6 में आता है, डेंटल, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मसाला इंस्पेक्टर ग्रेड 3, तो लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, परफ्यूनिस्ट। तो ये सब सारा पोस्ट दिया हुआ है, अच्छा खासा पोस्ट है। लेवल 7 लेवल 6 का पोस्ट माना जाता है। यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी भी देख रहे हैं और यहाँ पे पोस्ट भी देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है 713 पोस्ट है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट कितना है, 2600 पोस्ट है, ठीक है। अभी जब एक दो दिन में जोन वाइज भी आ जाएगा कि कहाँ किस जोन पे क्या है, कितना सीट है, ठीक है। अगर और कुछ देख लेते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और कुछ जो बताने लायक, CBT और DB होगा, मात्र एक ही एग्ज़ाम होगा इसमें, CBT और उसके बाद DB, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सीधे क्या आ जाएगा, DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल बहुत लो कैटेगरी का लिया जाता है, उसके लिए सोचना नहीं है। फी जो है और ट्रेन फैसिलिटी ये सब पास उस बना सकते हैं जिससे यानी कि छूट है। अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल कैटेगरी बहुत ही लो है, B1 मेडिकल है, C1 C2, ठीक है। फिजिकली फिट इन ऑल रिपोर्ट्स, ये सब आँख का कोई इशू नहीं है, 6x9 6x12 तक चलेगा, कोई इशू नहीं है, देख सकते हैं। तो मेडिकल जिसका दिक्कत है तो वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेशनलाइज कौन कौन भर सकता है, इंडिया का नागरिक हो, नेपाल, भूटान, ये सब भर सकते हैं। यहाँ पे फुल डिटेल्स दिया हुआ है एज के बारे में कि कौन कहाँ से भर सकता है। जैसे UR है तो 92 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर OBC है तो 89, ठीक है, SC ST है तो 97 का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ए एज यानी कि 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसका 2008 में आया तो वो नहीं आ पाएगा। तो ये सब यहाँ पे एज दिया हुआ है डिटेल्स। ये नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास में डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसको कितना एज में छूट दिया जाएगा, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक है, एक्स सर्विसमैन को दिया जाएगा 3 साल, ठीक है,
एक्स सर्विसमैन में अगर यूआर है तो 3 साल, ओबीसी है तो 6 साल, एससीएसटी है तो 8 साल, हैंडीकैप को 10 साल, 13 साल, 15 साल, ऐसा करके छूट दिया गया है एज में। अगर परीक्षा फी की बात करें तो 500 रुपया लिया जाएगा ओबीसी और क्या कहते हैं यूआर ईडब्ल्यूएस से 500 रुपया लिया जाएगा, लेकिन 400 रुपया रिफंडेबल कर दिया जाएगा जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा उसके अकाउंट में भर दिया जाएगा। अब बाकी ये सबसे 250 रुपया लिया जाएगा और इसके अकाउंट में भी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, किसके अकाउंट में किया जाएगा, जो एग्ज़ाम देने जाएगा वही। ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है इसके बारे में। और कुछ जानकारी हो आप लोग के बताने लायक तो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है, क्या करा द क्वेश्चन पेपर सिंगल स्टेज, एक ही स्टेज में होगा, CBT 1 विल बी 90 मिनट ड्यूरेशन फॉर 100 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स फॉर PWD कैंडिडेट, जो कि विकलांग कैंडिडेट हैं उसके लिए 120 मिनट, बाकी के लिए 90 मिनट दिया जाएगा। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, सबसे बड़ी बात है कि एक ही एग्ज़ाम होगा, इस एक एग्ज़ाम में आपका क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफाई कर गए तो आपका जॉब क्लियर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, तो प्रोफेशनल अवेलेबिलिटी, आप जिस क्षेत्र से भर रहे हैं जैसे नर्सिंग के लिए भर रहे हैं तो वहाँ से 70 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस है तो मात्र 10 क्वेश्चन, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि मैथ रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और जनरल साइंस से यानी कि अंडर टेन तक का जो साइंस आता है उससे 10 क्वेश्चन रहेगा। तो वेटेज यहाँ पर आपका जो डिग्री है उस पे दिया गया है कि आप जो डिग्री के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं उस डिग्री से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ठीक है, और टोटल मार्क्स भी 100 रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम एक ही CBT है, एक एग्ज़ाम हो गया, मेरिट बन गया तो आपका जॉब हो गया, अच्छा खासा जॉब भी है। अब देख लेते हैं क्या 10th+2 के लिए कुछ है, यहाँ पे दिया है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन किस तरह किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये जितना बोर्ड देख रहे हैं ये सारे बोर्ड में वैकेंसी अप्लाई किया जाएगा, जितना भी बोर्ड दिया हुआ है सारे बोर्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ जानकारी जो आप लोग के लिए यहाँ पे दिया गया है कि स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस, CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ME मेडिकल एग्जामिनेशन, बस इसके बाद आपका नौकरी पक्की। अब यहाँ पे दिया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है सारे स्टेज के लिए क्वालिफिकेशन, जैसे नर्सिंग स्टूडेंट के लिए क्या है क्वालिफिकेशन तो यहाँ देख सकते हैं। तो एक बात है कि 10+2 के लिए कुछ है, तो हाँ 10+2 के लिए कुछ पोस्ट है, जैसे ये है फील्ड वर्कर जो लेवल 2 में आता है जिसका बेसिक होता है 19,900, मेडिकल बहुत लो कैटेगरी का C2 के लिए लिया जाता है, मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 33 UR के लिए, ठीक है, अगर OBC है तो फिर वहाँ पे छूट है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन देखेंगे क्या है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए साइंस विथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी कि बायोलॉजी या केमिस्ट्री में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो 10+2 में किया है। तो जो बच्चे 10+2 साइंस से किए हैं तो उसके लिए अच्छी खबर है कि वो जा सकते हैं मेडिकल क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में। बाकी ये सब डिग्री देख रहे हैं, सबके अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिग्री दिया गया है, देख सकते हैं। सारा पोस्ट दिया हुआ है,
कहाँ कहाँ से आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो मेन है कि जो इसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, कार्डियोलॉजिस्ट है, डेंटल का डिग्री है, वो जहाँ से किए हैं वो भर सकते हैं। तो अच्छा खबर है जो भी स्टूडेंट के पास डिग्री अवेलेबल है। अदरवाइज़ जो 10th+2 है तो उसके लिए कुछ पोस्ट है जिसको कहते हैं फील्ड वर्कर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।